ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरे दवस्ती। सियासत में अगर आप सत्ता से बाहर हैं तो जनता आपको जल्द भूल जाएगी और इसकी संभावना है। इसीलिए सत्ता से बाहर हुए दल और उनके नेता थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहें और जनता उनकी शक्ल याद रखे। इसी क्रम में एसपी मुखिया के बयान उन्होंने दिया है कि मठाधीश यानी कि मठ के महंत और संत माफिया की तरह ही है, उनमें कोई खास अंतर नहीं है। उपचुनाव को देखते हुए यह बयान अखिलेश के लिए तो अहम होंगे, लेकिन इससे साधु संत नाराज हो गए हैं। कहते हैं मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज होता है। माशूक को पाना हो या सत्ता की कुर्सी, इसके लिए कोई भी झूठ बोला जा सकता है और कोई भी बयानबाजी की जा सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ। गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना चाहा था कि अयोध्या में किस तरह से नेता और अफसर मिलकर महंगी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी मुखिया ने पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे को सामने कर दिया, जिन्होंने प्रमाण सौंपते हुए कहा कि अयोध्या के महर्षि योगी ट्रस्ट में सरकार के प्रमुख सचिव से लेकर लेखपाल तक ने जमीन खरीदी है। महर्षि योगी ट्रस्ट अयोध्या में जमीनों की बंदरबांट करके लूट कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद लगातार अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी, जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त और जमीनों की लूट भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में और सत्ता के संरक्षण में लगातार अयोध्या में हो रही है। इसके बाद ही पार्टी मुखिया ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू किया, पवन पांडे के आरोपों को आगे बढ़ाया। जोश से लबरेज अखिलेश होश खो बैठे और कह दिया कि मठाधीश और माफिया में खास अंतर नहीं होता। यानी अखिलेश की माने तो मठाधीश ही माफिया है और माफिया ही मठाधीश। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश समझ नहीं पाए कि उन्होंने ये बयान देकर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। किसी खास विशेष मठ या मठाधीश का नाम लेकर आरोप लगाते तो भी संतों का उबाल कुछ कम होता, लेकिन अखिलेश ने तो सभी मठाधीशों को माफिया की श्रेणी में खड़ा कर दिया। क्योंकि ये सब बयानबाजी सियासत के चलते की जा रही थी, इसलिए सियासी जवाब भी दिया जाना जरूरी था। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर माफिया और अपराध की बात करती है तो ये अपने आप में बड़ा चकित करने वाली बात है, क्योंकि प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने ये देखा है। उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह रहा है कि 2012 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संरक्षण में किस तरीके से अपराध और अपराधियों का बोलबाला था। अखिलेश जानते थे कि विधानसभा के उपचुनाव में माई समीकरण के एम को साधे रखना है तो हिंदुओं, मठों और साधु संतों को निशाने पर रखना होगा। अपने बयान से जताना होगा कि उनकी सोच अभी भी खास वर्ग के लोगों की तरफदारी ही करती है। लेकिन उनका बेतुका बयान तो साधु संतों को नाराज कर गया। तपस्वी छावनी अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि ऐसे बयान का मतलब है कि पार्टी का अंत समय निकट आ चुका है। राक्षस भी संतों की शरण में जाकर प्रायश्चित करते थे। यह ऐसा बयान है जिससे तमाम साधु संत बहुत दुखी हैं। और यदि अखिलेश यादव अपने इस बयान को वापस नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का यह अंतिम जो है समय होगा और यहीं से समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राक्षस भी किसी न किसी साधु संत का शरण लेते थे, जैसे शुक्राचार्य थे। बिना संतों के, बिना मठाधीशों के आशीर्वाद से कोई नहीं चल सकता है। और तमाम ऐसे मठाधीश साधु संत हैं जिनका अखिलेश यादव चरण बंदन करते हैं और कुछ मठाधीश अखिलेश यादव से भी मिलने जाते हैं। मठाधीशों की तुलना माफिया से करना हर संत के मन को दुखी कर गया। हनुमानगढ़ी के महंत ने उल्टा अखिलेश पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मठ के साधु संत माफिया थे तो उनके पास आशीर्वाद लेने क्यों जाया करते थे अखिलेश। माफिया और मठाधीश एक तरीके से उन्होंने तुलना किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी से
कि आप जब उन मठाधीशों के चरण में जाते हैं तो क्या सारे माफिया थे, माफिया जानकर उसके चरण शरण में गए थे? दुर्भाग्यपूर्ण आपका बयान है, आपके इस विरोध का घोर निंदा करते हैं और मैं आपकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। योगी जी से लड़ने की क्षमता तो आप में है नहीं, योगी जी को जवाब तो दे नहीं पाते हैं क्योंकि आप लूट, हत्या, भ्रष्टाचार, चोर, बलात्कारियों के पक्ष खड़े से ले लेते हैं कि नहीं इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए तब गोल में पैर में गोली लगना चाहिए। अरे आपको सीधे तौर पे कहना चाहिए जो भी बलात्कारी हो सीधे सिर में गोली मारो, योगी जी पैर में गोली क्यों मार रहे हो? आप बलात्कारी के पक्ष में हो जाते हैं तुरंत। आखिर मठों से अखिलेश यादव की क्या दुश्मनी है जो उनके लिए ऐसा बयान दे डाला? संत मानते हैं कि अखिलेश माफिया के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मठों के बारे में उनका ज्ञान अल्प है। जो संतों से बैर करता है वो बच नहीं पाता। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को माफिया उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी है कि माफियाओं का काम क्या है, और क्योंकि अब उनको उनके जो अनुयायी थे, जो उनको पैसा देने वाले थे, जो वो पाल रखे थे अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों को, आज उस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने तांडव मचाया था, हजारों लोगों को बेकसूर मारा था, लाखों लोगों की जमीनें कब्जा करके, हजारों लोगों की जमीनें कब्जा करके बैठे थे, आज वो चले गए हैं, इसलिए उनको दुख हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अब जो है संतों को टारगेट करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब इनकी विनाशकारी विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है विनाश की ओर बढ़ने लगे हैं। दरअसल सियासत में नेता मौके का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव कभी मठ मंदिरों में नहीं गए, जब जब जरूरत पड़ी वो मंदिरों में गए, पूजा भी की और संतों का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन वो भी समय की मांग थी और ये भी वक्त की नजाकत है। मौनी बाबा ने तो ये तक कह दिया कि जाइए आप दिमाग का इलाज कराइए, अपने दिमाग का इलाज करा लीजिए, और नहीं तो पागलपन जो सवार हुआ है इसका उत्तर ये देश जरूर देगा, परिणाम जरूर देगा, और उपचुनाव में आपकी आंख खुल जाएगी। प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि ये अपमान समाज स्वीकार नहीं करेगा। संतों ने अखिलेश को बताया कि मठ के साधु संतों का काम क्या होता है। मठाधीश की तुलना सनातन धर्म में भगवान से की गई है। मठाधीश को माफिया से जोड़ना निकृष्टता का परिचायक है। उनको बिल्कुल ही नहीं पता है मठाधीश कौन होता है और माफिया कौन होता है। माफिया का काम होता है समाज में अराजकता फैलाने का, समाज को प्रताड़ित करने का, समाज को पीड़ा देने का, और मठाधीश जो होते हैं समाज में संस्कृति संस्कार फैलाने का काम करते हैं। मठों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शिक्षित करते हैं, संस्कारवान बनाते हैं। माफिया देश के विध्वंस में लगा रहता है। माफिया तमाम प्रकार के असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहता है, और मठाधीश इस देश के संस्कृति को बचाने में सार्वभौमिक जन कल्याण में लगा रहता है, जिसका प्रथम ध्येय होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान कर दिया था। 30 अक्टूबर 1990 को जब लाखों की तादाद में कार सेवक नारा लगाते आगे बढ़ रहे थे, जिसमें साधु संत भी शामिल थे, तब भीड़ को रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा था। इसीलिए मौनी बाबा ने भी कहा कि आप तो संतों पर गोली चलवाने वाले लोगों में से हैं, उन्हें माफिया कहेंगे ही। देश को बदनाम करना, राष्ट्र को बदनाम करना, धर्म को बदनाम करना, अब मठ और मंदिरों के मठाधीशों को गाली देना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है। राजनीतिक लाभ के लिए महात्माओं की, लोगों की आदत बन गई है महात्माओं को गाली देना। वो आपके ही पिता थे जिन्होंने कार्यकर्ताओं को मरवाया था, फिर आप यही कहेंगे ना, क्योंकि आपने साधुओं को मरवाया है तो आपके निगाह में साधु तो मठाधीश जो है वो माफिया ही दिखेंगे। अखिलेश यादव जानते हैं यूपी में हिंदू बटे होने के कारण बहुसंख्यक होने के बावजूद भी कमजोर हैं, जबकि मुस्लिम वोटर